गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बॉडी लोकेशन का एक्सरसाइज 4C हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो सॉल्व द क्लबिंग इक्वेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन प्रोसेस से मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, पहला है एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आज एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, यहाँ 4 हैंस x इक्वल टू 4 और माइनस 2, ये हो गया इसका आंसर। एक ही था और फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक नंबर बता दिया x कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसके बाद चलते हैं 6 नंबर पे। चलिए 1 के बाद 6 नंबर, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टर करना है, इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग जानते होंगे, ये दोनों को गुणा करके देखना है, सॉरी 4x होगा और प्लस 3x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा। ये दोनों का मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट आउट करना है, जिसे ऐड करने पे माइनस एक्स आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आना चाहिए, 4 3 12 माइनस 12 आएगा और ऐड करेंगे तो फिर एक्स ही आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम फिर करेंगे क्या, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, टर्म में 2x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 यहाँ पे देंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, डियर फोर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 बाय 3, ठीक है बच्चों। इस स्टेप से निकल गया, फिर अगला चलते हैं बेटा, इसको आवाज़ें फेल हो रही है। एक्स माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है बेटा, इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 1 बाय 2 इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस माइनस एक्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, डियर फोर्थ यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, एक्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल टू 2, सॉरी माइनस 3 यहाँ पे, यहाँ पे 2 लिए, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 1 बाय 2 2 जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5 बाय 2, दूसरा निकालेंगे एक्स इक्वल टू सॉरी माइनस 4 होगा, क्या होगा माइनस 3 बाय 2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 2, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाय 2, एक एक्स का वैल्यू आएगा माइनस 3 बाय 2, दूसरा 5 बाय 2, अब चलते हैं चौदह नंबर हो गया, अब चलते हैं 10 नंबर पे, 16 नंबर पे, 10x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे दोनों चलते हैं, मैक्स होगा तो 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इसको करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 5x यानी कि 2x माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 बाय 2। तो 5x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 बाय 5। ठीक है, स्टार्ट से सॉल्व होता है। फिर अगला चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा। तो हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए फिर। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहा 4C, आपको सॉल्व करना है 4C क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4C। ठीक है बच्चों, थैंक यू।